हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल स्नैपर। बिहार के ट्रैवल जर्नी को कंटिन्यू करते हुए बोधगया के बाद आज हम जा रहे हैं राजगीर। सबसे पहले मैं आपको राजगीर की लोकेशन बता देता हूँ। ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। राजगीर रोड से, रेल से वेल कनेक्टेड है। जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वो राजगीर में ही है। नालंदा से राजगीर की दूरी है कुछ 12 से 15 किलोमीटर, पटना से राजगीर की दूरी है कुछ 85 किलोमीटर, बोधगया से राजगीर की दूरी है कुछ 70 किलोमीटर, कोलकाता से राजगीर की दूरी है कुछ 460 किलोमीटर और रांची से राजगीर की दूरी है कुछ 240 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजगीर में ही है जहाँ तक आपको ट्रेन अवेलेबल है। नियरेस्ट एयरपोर्ट बोधगया में है। बोधगया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राजगीर की दूरी कुछ 70 किलोमीटर के आसपास है। राजगीर सालों भर एक्सेसिबल रहता है, लेकिन राजगीर की जो आइडेंटिटी है हॉट वाटर स्प्रिंग, उसकी वजह से विंटर यहाँ के लिए मोस्ट फेवरेबल विजिट सीजन माना जाता है। और इसकी एक अलग आइडेंटिटी है यहाँ का विश्व शांति स्तूप। राजगीर को एक्सप्लोर करने की शुरुआत हम करने वाले हैं गर्म कुंड से। हम सारे गर्म कुंड तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्रह्म कुंड जो बहुत ही पॉपुलर है और वहाँ पे कुछ 22 या 29 गौमुख हैं और कॉमन बाथ एरिया है। वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। उसमें से किसी एक कुंड में आप नहा सकते हैं और उसके बाद आप जो कॉमन बाथ वाला एरिया है, जो सरोवर है, उसमें आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये माहौल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा इन्होंने बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और साफ सफाई भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारा तो मन भर गया है, हम यहाँ पर नहीं नहाने वाले। और अभी पोस्ट कोविड जो भी आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो कॉमन बाथ वाला एरिया है वो अभी बंद है। अगर आप उसके अंदर नहाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चेक करके आइए। चलिए हम देखते हैं कुछ और जगहें, आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हैं। घूमते घूमते हमें ये मिला है जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम नहा सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है और साफ़ सफाई भी थोड़ी ठीक ठाक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ का पानी, मतलब हम घर में जो पानी गर्म करके नहाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप बच्चे अगर यहाँ पे नहा रहे हैं या आप नहा रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके इसमें नहाएं। मतलब पहले आप पैर भिगाए, हाथ भिगाए और उसके बाद फिर इसके नीचे बैठ कर नहाएं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि साबुन, शैम्पू ये सारी चीज़ें यूज ना करें, क्योंकि उससे तो आप हर दिन नहाते हैं। आप सिर्फ इसके पानी से नहाएं और अगर आपको कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप होटल में जाके दोबारा आप जैसे नॉर्मल स्नान करते हैं कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो इसका मेडिसिन वाला इफेक्ट है वो साबुन शैम्पू से नहाने के बाद नहीं आएगा। यहाँ पे नहाने के बाद मैंने एक चक्कर लगाया और यहाँ पे थोड़ा यहाँ के पुजारी डोमिनेटिंग नेचर के हैं, इसलिए पूजा करने का भी हमारा मन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। इस एक्सप्लोरेशन पॉइंट के बाद हम जा रहे हैं विश्व शांति स्तूप, जिसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी बोलते हैं। और वहाँ पर हम दो चीज़ें एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोप वे जो हमें पीस पगोड़ा तक लेकर जाता है वो रत्नागिरी हिल टॉप पे है। तो वहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप रोपवे से जा सकते हैं या आप सीढ़ियों से चढ़ के जा सकते हैं। टिकट 80 रुपये का है जिसमें आप एक बार जाकर एक बार वापस आ सकते हैं। तो चलिए, इस बार तो मैं रोपवे ट्राई करने वाला हूँ। इसकी सेफ्टी थोड़ी एवरेज क्लास की है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, अभी तक कोई वैसा एक्सीडेंट हुआ नहीं है। आपको इस झूले में बिठा दिया जाएगा और ये चलती रहती है, ना उतरने के लिए ना चढ़ने के लिए रुकती नहीं है। आपको रनिंग कंडीशन में ही बैठना और रनिंग कंडीशन में ही वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा। ये थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ऊंचाई से वैसे भी मैं डरता हूँ और ये इसका जो स्विंग एक्शन है वो थोड़ा डराने वाला। और आप जब नीचे देखते हैं और ये जो सेफ्टी हुक्स है वो एवरेज क्लास की हैं तो डर ज़्यादा लगता है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत एडवेंचरस फील आपको देता है और ये जो वैली का व्यू है वो बहुत शानदार है। तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये इसके जो जॉइंट गियर हैं वो सारी चीज़ें हैं। और आप बगल में देख सकते हैं कि एक नया रोपवे सिस्टम, बहुत इम्प्रूव्ड क्लोज केबिन टाइप का स्टार्ट होने वाला है, तो वो इससे बहुत अच्छा होगा। वो इसका सेफ्टी ट्रायल रन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं रोपवे का। यहाँ पे बबून और मंकी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो आप उनसे सावधान रहें, आप उनसे उलझे ना।
ये है विश्व शांति स्तूप। ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, निप्पन सोसाइटी की तरफ से बनाया गया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक सिंबल के रूप में इसे निप्पन सोसाइटी बनाती है और अक्रॉस द वर्ल्ड जापान में, इंडोनेशिया में, हर जगह है, इंडिया में भी बहुत सारे हैं। टोटल इंडिया में अभी तक 7 विश्व शांति स्तूप बनाए गए हैं, उसमें से एक ये है और ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है। इसमें चारों तरफ बुद्ध की मूर्ति अलग अलग पोस्चर में लगी हुई है, आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। तो जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो ऐसा करते हैं, आप भी कर सकते हैं। वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा स्मारक है। ये एक जगह है जहाँ पे लोग कॉइन चिपकाते हैं, अगर आप चाहें तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और इसके आसपास की जगहों में वहाँ दूर एक बहुत जायंट बेल लगाया हुआ है जो एक बौद्ध रिलीजन का एक रिलीजियस सिंबल है और ये रिलीजियस ओकेजन पे इसका यूज भी करते हैं। यहाँ से आप वो वल्चर पार्क देख सकते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि बुद्ध भगवान ने दीक्षा दी थी, अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। इसके अलावा वैली व्यू है, आप यहाँ से वैली देख सकते हैं, इधर भी और उधर भी, कहीं से भी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं क्लोज एनवायरमेंट में, तो यह निप्पन सोसाइटी का एक टेम्पल है, निप्पन माओजी टेम्पल, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। वापस चलते हैं, वापस भी हम उसी रोप वे से जाएंगे। और हाँ, बार और बता दूं कि ये बहुत ही एडवेंचरस राइड है, मुझे तो बहुत मजा आया, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और हाइट कुछ ज्यादा नहीं है, 400 मीटर है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं वेनुवन। वेनुवन के बारे में कहा जाता है कि 6th सेंचुरी में किंग बिंबिसारा ने भगवान बुद्ध को ये वेनुवन बैम्बू ग्रुप्स भेंट की थी, जहाँ पे वो मेडिटेशन कर सकें, दीक्षा दे सकें। अब वो बैम्बू ग्रुप तो नहीं है, लेकिन उसी साइट पे एक मंदिर बनाया गया है 80s के दशक में फूजी गुरुजी के द्वारा। हम वो एक्सप्लोर करेंगे और ये है वो टेम्पल, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और अंदर एक मेडिटेशन हॉल है जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा ग्लास ब्रिज, कैंटिलीवर हैंगिंग टाइप का ग्लास ब्रिज किसी एक माउंटेन पे फिक्स किया गया है जो अभी ओपन नहीं है, इनॉग्रेशन हो चुका है लेकिन वहाँ पे अभी पब्लिक विजिट के लिए खोला नहीं गया है। तो आप नेक्स्ट टाइम आए तो आप एक बार जरूर चेक करें, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो एक तरह का स्पेशल ब्रिज है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है और पहाड़ी की ऊंचाई पे है, तो एक बहुत ही अलग अनुभव से भरा नेचर के बीच मॉडर्न आर्किटेक्चर का कमाल का मिक्सचर है। इसके अलावा ब्रह्मकुंड के बगल में ही है पांडुपोखर, जो एक मॉडर्न एडवेंचर पार्क की तरह है, जहाँ पे जिपलाइन, जॉर्बिंग, बोटिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे किड्स पूरी तरह से मस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा इन पहाड़ियों पे जैन टेंपल हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा टेंपल हैं, जहाँ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। और जो जैन धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। इन सब के अलावा जरासंध अखाड़ा है, स्वर्ण भंडार है, साइक्लोपियन वॉल है, वल्चर पार्क है जो मैंने वहां से आपको दिखाया था, बिंबिसारा जेल है जहाँ पे बिंबिसारा को रखा गया था, अजातशत्रु फोर्ट है, फिर महाभारत में चलने वाले रथ के निशान है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी की बात करें तो सबसे कॉमनली और मोस्ट एक्सप्लोर्ड है हॉट बाथ, क्योंकि ये सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग है तो आपको हर जगह मिल जाएगा। मेन है ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और मखदुम कुंड, आप यहाँ पे हॉट बाथ ले सकते हैं। रोपवे आप ट्राई कर सकते हैं, एक एडवेंचरस राइड हमेशा आपके लिए खुला है। ये पहाड़ों पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जंगल वॉक कर सकते हैं, आप हॉर्स कार्ट पे बैठ सकते हैं जिसे यहाँ टम टम या तांगा कहते हैं। थोड़ा बम्पी हो सकता है लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे बहुत कॉमन है तांगा, आप उस पे राइड ले सकते हैं। और अगर आप पांडुपोखर जाते हैं तो जिपलाइन, जॉर्बिंग, बोटिंग, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाने के लिए राजगीर में हर तरह के फूड अवेलेबल हैं, बिहारी फूड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको ट्रेडिशनल बिहारी फूड ट्राई करना चाहिए, जैसे लिट्टी चोखा, या आपको खाजा खाना चाहिए, या पे दूध के बने हुए जो भी स्वीट्स होते हैं वो यहाँ के लैंडमार्क चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। पीने के लिए यहाँ पे हमने देखा कि लोग हांडी में चाय बना रहे हैं और कुल्हड़ में सर्व कर रहे हैं,
जो अपने आप अपने तरह का पहला एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और उसका टेस्ट उसमें मिट्टी की खुशबू आ रही थी, तो आप वो जरूर ट्राई करें। अदर ड्रिंक्स में यहाँ पे गन्ने का जूस कॉमनली अवेलेबल है, और अल्कोहल पूरे बिहार में अल्कोहल बैन है, तो आप अल्कोहल के बारे में सोचे बिना। रुकने के लिए यहाँ पे आपको हर रेंज के होटल अवेलेबल हैं, केवल आपको ठंड के मौसम में अगर भीड़ ज़्यादा हो तो थोड़ा परेशानी हो सकता है, तो आप एडवांस बुकिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ख़रीदने के लिए ट्रेडिशनल आइटम आप खरीद सकते हैं, मेजरली बौद्ध और हिंदू रिलीजन से रिलेटेड। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस स्वीट है खाजा, जो मैदे और चीनी को मिलाकर बनाया जाता है, वो यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत ही सॉफ्ट और लजीज होता है। उसके अलावा आप तिल के बने हुए मिष्ठान खरीद सकते हैं। राजगीर बहुत अच्छे लोकेशन में है, इसलिए यहाँ पे आपको हर चीज़ें, फ्यूल, इमरजेंसी रिपेयर, रोड कंडीशन अच्छी है, और मेडिकल, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। ड्राइविंग अगर आपको नॉर्मल आती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। राजगीर के आसपास के जगहों में सबसे पास में है नालंदा, जो यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और नालंदा फेमस है अपने इतिहास के लिए। यहाँ पे वर्ल्ड की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, तो उसके अवशेष आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ पे म्यूजियम है, कुछ जैन टेंपल हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप बोधगया जा सकते हैं, जो कि बौद्ध का उद्गम स्थल है और सिटी ऑफ एनलाइटमेंट भी बोला जाता है, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ पे महाबोधि टेम्पल है, बुद्ध भगवान के मेडिटेशन, जब उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनके साथ सप्ताह के प्रतीक चिन्ह हर जगह हैं। भगवान बुद्ध का एक जायंट स्टैचू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बौद्ध रिलीजन का तो एक तरह से हब है। उसके अलावा आप पटना जा सकते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से 85 या 90 किलोमीटर है, जो कि बिहार की कैपिटल सिटी है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूजियम है, चिड़ियाघर है, गांधी मैदान है, गोलघर है, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पावापुरी जा सकते हैं, जो कि जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है। बोला जाता है कि यहीं से जैन धर्म का उदय हुआ था, और भगवान महावीर ने यहाँ पे आखिरी सांस ली थी, तो वहाँ पे उनका एक टेंपल है जल मंदिर के नाम से, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से मैक्सिमम 25 से 30 किलोमीटर होगी। तो ये सारी चीज़ें आप आसपास की जगहों के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा राजगीर का एक छोटा सा ओवरऑल एक्सप्लोर। अगर आप राजगीर से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ चाहते हैं, एक ट्रैवल ब्लॉग देखना चाहते हैं, ट्रैवल गाइड पढ़ना चाहते हैं, इमेज गैलरी देखना चाहते हैं, या कुछ भी वीडियो गैलरी देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, या आपके कोई सुझाव हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा एक्सप्लोर राजगीर के बारे में। मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।